एल एन टी लार्सन एंड टारबो। दोस्तों ये नाम सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपनी यूएस यूके या जर्मनी की है, मगर ये बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि एल एन टी एक शुद्ध रूप से भारतीय कंपनी है, जैसे कि टाटा या रिलायंस है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। दोस्तों अब आप मानोगे नहीं कि दिल्ली का फेमस लोटस टेम्पल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, आईसीसीआई बिल्डिंग जैसे सुंदर इमारतें एल एन टी ने ही बनाया है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो भारत में बनने जा रही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी एल एन टी बनाने ही जा रही है। एल एन टी ने भारत के विकास में अपना अमूल्य साथ दिया है, जैसे कि भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत, मंगलयान और चंद्रयान में भी अपना सहयोग दिया है। दोस्तों इससे आपको पता चल ही गया होगा कि भारत के लिए एल एन टी कितनी महत्वपूर्ण कंपनी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये अंग्रेजी नाम वाली कंपनी एक भारतीय कंपनी कैसे बनी। दोस्तों यह वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है और आपको आकर्षित ज़रूर करेगी। एक कंपनी जिसका ऑफिस मुंबई में था, मगर इतना छोटा कि सिर्फ उसमें एक आदमी और एक फर्नीचर ही आ सके। फिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी के पास आज 55 एकड़ की ज़मीन है जिसमें 100 फुटबॉल के ग्राउंड आ सकते हैं, और फिर भी उसमें थोड़ी सी ज़मीन बच जाएगी जिसमें आप अच्छे से क्रिकेट खेल सकें। तो दोस्तों जानते हैं कि एल एन टी ने इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे हासिल किया, इससे आपको कुछ सीखने ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एल एन टी की कहानी 1938 में हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू ही होने वाला था। तब दो डेनिश इंजीनियर जो पुराने स्कूल दोस्त थे और एक ही स्कूल और क्लास में पढ़ते थे, इसका मतलब लंगोटिया यार थे, उन्होंने अपना फ्यूचर भारत में देखा, जिनका नाम हैनी हॉल्स लार्सन और क्रिश्चियन टुब्रो था। दोस्तों कितनी अजीब सी बात है कि हम हिंदुस्तानियों को अपना फ्यूचर फॉरेन में दिखता है और इन दोनों आदमी को अपना फ्यूचर इंडिया में दिखा। तो फिर से वीडियो पर चलते हैं। लार्सन और टुब्रो भारत में इसलिए आए थे कि वो भारत में अपने देश की बनी डेयरी इक्विपमेंट हमारे मार्केट में बेच सके, और इस काम में वो सफल भी हुए थे। मरी कहानी में एक ट्विस्ट है। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उस समय अंग्रेज जो भारत पर राज करते थे, उन्होंने भारत में इंपोर्ट होने वाली हर विदेशी सामानों को बैन लगा दिया। इससे क्या हुआ कि लार्सन एंड टुब्रो का डेयरी इक्विपमेंट वाला बेचने वाला बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि वो ये इक्विपमेंट डेनमार्क से इंपोर्ट करते थे। मगर दोस्तों कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खुल जाता है। जिस वर्ल्ड वॉर ने उनका बिजनेस बंद किया, उसी वर्ल्ड वॉर ने उन्हें एक नया बिजनेस आइडिया दिया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर की लड़ाइयों में शिप यानी जहाज़ का भी इस्तेमाल हुआ था, इससे लार्सन एंड टुब्रो ने शिप रिपेयर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और यह बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। 1940 में एल एन टी की मानो किस्मत ही बदल गई थी, जब उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई इंस्टॉलेशन फील्ड में। 1940 में एल एन टी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला बिलियन डॉलर का टाटा ग्रुप से, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिन्हें सोडा ऐश प्लांट बनवाना था अपने लिए। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट एल एन टी को सौंप दिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले किसी जर्मन इंजीनियर को दिया गया था, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया वर्ल्ड वॉर टू के कारण, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन हार गए थे वो ही बहुत बुरी तरह से, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इन जर्मनों को अपने देश में कैद कर दिया, और यह प्रोजेक्ट एल एन टी को इस तरह मिल गया था। इस मौके का एल एन टी ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, और इस प्रोजेक्ट को एल एन टी ने समय से पहले ही कंप्लीट कर दिया, और वो भी क्वालिटी के साथ। इससे एल एन टी की पूरी इंडिया में वाहवाही होने लगी, और इससे उनको और भी प्रोजेक्ट मिलने लगे। एल एन टी ने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। एल एन टी की भारत में कामयाबी को देखकर विदेशियों की बड़ी बड़ी कंपनी एल एन टी के साथ काम करना चाहती थी, इसीलिए 1945 में एल एन टी ने ब्रिटिश मशीन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली।
इसके साथ ही एलएनटी भारत में हाइड्रोजन ऑयल, बिस्किट, सोप और ग्लास बनाने लगी। और इसके साथ ही एलएनटी ने यूएस की कैटरपिलर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। और इसके साथ ही एलएनटी भारत में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बन गई, जिसमें आप जेसीबी, रोड रोलर देखते हैं। 1948 जब भारत को आज़ाद हुए एक साल ही हुआ था, तब एलएनटी ने मुंबई के पिछड़े इलाके पवई में 55 एकड़ की ज़मीन खरीदी और वहाँ पे अपने प्लांट लगाए, जिससे कई भारतीयों को नौकरियाँ भी मिली। 1950 में एलएनटी पब्लिक कंपनी बन गई, जिसका पेड अप कैपिटल 20 लाख का और टर्नओवर 1,000 करोड़ का हुआ था। 1962 में टर्बो ने रिटायरमेंट ले लिया और 1978 में लार्सन ने, और उनके कंपनी में दिए योगदान के कारण ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी बन गई। एलएनटी के करंट चेयरमैन है अनिल नानी भाई नायक। इनकी चेयरमैन बनने की बड़ी ही मोटिवेट करने वाली कहानी है। उन्होंने एलएनटी को जूनियर इंजीनियर 1965 में ज्वाइन किया था और अपने कठिन परिश्रम के कारण उन्हें जीएम बनाया गया और फिर एमडी और सीईओ भी बनाया गया। बाद में उनकी कंपनी के लिए ईमानदारी और मेहनत देखकर उन्हें चेयरमैन बनाया गया। उनके चेयरमैन बनते ही कंपनी ने नई बुलंदियों को छू लिया और उन्होंने कंपनी का विस्तार सीमेंट, डिफेंस, न्यूक्लियर सेक्टर में किया। एलएनटी एक 85,400 करोड़ वाली कंपनी है, जिसमें 54,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, और ये कंपनी अपनी सेवा इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रियल इस्टेट में देती है। इसी कारण से एलएनटी भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फर्म है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं, जैसे कि वाई शेवरलेट फेल्ड इन इंडिया, वाई बिहार इज़ बैकवर्ड और वाई MI इज सो पॉपुलर इन इंडिया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और आई बटन पर क्लिक करके आप ये सब वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे से आपको एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और सपोर्ट मिले और